हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मेरी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, कृति का स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो स्कूल स्टार्ट होने पे हम लोगों की जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को कुकिंग करना पड़ता है। जो रिलैक्स वाला मॉर्निंग था वो तो अभी नहीं रहा, बट फिर भी सब काम की अलग अलग मतलब बात होती है। ये सब करके भी आजकल बहुत अच्छा ही लगता है। बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट 2 साल के बाद ये रूटीन स्टार्ट हुआ है। और अब काफ़ी सारे फ्रेंड ने कृति की हॉलीडे रूटीन के लिए बोला था, बट इस बार कृति का कोई भी हॉलीडे रूटीन नहीं था। जब उसको जो करने का मन करता था वो वही करती थी, इसीलिए कोई भी रूटीन मैं शेयर नहीं कर पाई। अभी मैं यहाँ पर आलू कट कर रही हूँ, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनेगी। कृति को पराठा आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, और जब पनीर होता है या दाल मखनी होता है तब उसको रोटी चाहिए होता है। ज़्यादातर वो रोटी या पराठा लेके ही स्कूल जाती है। राइस का आइटम अभी तक मैंने उसको देना स्टार्ट नहीं किया है। और यहाँ पे जानकी भी आ गई है। जब से कृति का स्कूल स्टार्ट हुआ है, जानकी थोड़ा जल्दी आ जाती है। आज तो वो बहुत जल्दी आ गई है, और अभी से वो जल्दी जल्दी ही आएगी। इसीलिए हम लोगों का काम जो है बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है। और पापा हमेशा मॉर्निंग को ना बहुत जल्दी उठ जाते हैं, इवन मेरे से भी पहले उठ जाते हैं। पापा को मतलब स्टार्टिंग से मैं देख रही हूँ, मॉर्निंग को पापा को जल्दी उठना रहता है, एकदम 5:30 ऐसा। अरे वाह, कृति तो आज उठ गई। गुड मॉर्निंग। राज ना, कृति जल्दी जल्दी उठ गई है। क्या हुआ आज इतनी जल्दी? हाँ, उठाना भी नहीं पड़ा कृति। असल में पैंट बंद कर दी थी। हाँ, जानकी जल्दी आ गई थी ना, फैन ऑफ हो गया था तो कृति का नींद भी टूट गया। और कृति आज जल्दी उठ गई थी, तो उसको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया। नहीं तो अदरवाइज़ दूसरे दिन क्या होता है, मेरा पूरा कुकिंग हो जाता है उसके बाद ही मैं उसको उठाती हूँ। तो कभी कभी जब जल्दी उठ जाता है तो उसको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, उसके बाद उसका टिफ़िन रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दिया है और साथ में उसका पराठा बना रही हूँ। कृति के टिफ़िन में फ्रूट्स तो रहता ही है, जैसे ज़्यादातर मैं एप्पल देती हूँ। बाकी उसको बनाना खाना पसंद है, तो कभी कभी बनाना और जो भी फ्रूट्स घर पे रहता है वो सब मैं देती हूँ। जो सीज़न का फ्रूट्स होता है वो सब भी देती हूँ। सो उसको 2 ब्रेक मिलता है। 1 ब्रेक में वो एप्पल लेती है, और जैसे आज मैंने एप्पल दिया है, और दूसरे में पराठा और आलू की सब्ज़ी। सो ये उसका लंच है।
और अभी हमारा चाय भी बन गया है तो हम लोग चाय पियेंगे। और पापा बालकनी पे हैं, बालकनी पे बैठ के ही चाय पीते हैं। और कृति गई है नहाने, सो जब तक वो नहाएगी तब तक हम लोग बैठ के थोड़ा सा चाय पी लेंगे। और बेंगलोर का वेदर अभी काफ़ी ठंडा है, मतलब जैसे आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था सुबह, तो कृति जब भी ठंड लगता है तो गर्म पानी से नहाती है, अदरवाइज़ इस समर वेकेशन में उसका आदत बन गया था ठंडा पानी से नहाने का। मैं ही फोर्स करती हूँ कि थोड़ा सा गर्म पानी ले लो, क्योंकि वेदर ऐसा है ना यहाँ का, इतने में भी ठंड लग जाती है और तभी गर्म लगती है। यहाँ पर कृति रेडी हो गई है अपनी स्कूल जाने के लिए, और वो अपना टिफ़िन जो है बैग में खुद ही डालती है, क्योंकि उसको पता रहना चाहिए कि टिफिन कहाँ है कैसे है। इस तरह से उसको आदत है कि अपना टिफिन और वाटर बॉटल खुद ही अपने बैग पे रखे, और बैग पैक तो वो रात को ही करके रखती है। এখানে পড়ে নে, মাস্টার পড়ে নে আগে, এই মাস্টার পরিষ্কার আছে? ও পেছনে বসে থাকবে তো, তা ওয়েদার না কাফি ঠান্ডে। नीचे से ना मैं ये लेके आई पूजा के लिए, क्योंकि आज थर्सडे है तो ये थर्सडे की पूजा में चाहिए होता है। पापा नीचे गए वॉक पे, मम्मी इधर ही ना थोड़ा बहुत वॉक कर लेती है कॉरिडोर पे। अच्छा बाबा सब देखा लो मैं যাই দেখি যদি দুটো পায়ে ভালো লাগতো। হ্যাঁ হাঁটুক থাকে।